नमस्ते, हमारे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे चावल के आटे की पकौड़ी। आइए पकौड़ी बनाना स्टार्ट करें। पकौड़ी बनाने के लिए हमने ये दो प्याज लिए हैं, दो हरी मिर्च बारीक काट ली, ये दो मैश किए हुए आलू हैं उबले हुए, बारीक कटी हुई हरी धनिया, वन फोर बाउल है चावल का आटा, इसको भी इसमें डाल देंगे हम। हाफ टी स्पून डाल देंगे जीरा, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा पानी डाल देंगे। इसका हम गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल देंगे। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हमने पहले से रख दिया है, गर्म हो गया है, हम हाथ को इसे पानी में भिगो लेंगे, फिर उसके बाद पकौड़ी बनाएंगे। पकौड़ी हमारी एक तरफ से सिक जाए, फिर उसके बाद इसको हम पलट देंगे, तो गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब ये पकौड़ी हमारी एक तरफ से सिक गई है, इसको हम पलट देंगे। पकौड़ी हमारी बन गई है, इसको हम निकाल लेंगे। पकौड़ी बनके हमारी रेडी है। आप लोगों को हमारे चावल के आटे की पकौड़ी की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।